अच्छुप्रकाश धर्मेंद्र तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। और आज है हमारा सौभाग्य है कि आज सबसे आपको जैसे पता कि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इंटरव्यू दी, उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की इंटरव्यू, आज हमारा सौभाग्य है कि अजय सिंह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सुपुत्र हमारे बीच में दिग्विजय सिंह चौटाला, जो यूथ आइकॉन के नाम से पहचाने जाते हैं हरियाणा के अंदर। आइए हम सब बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। दिग्विजय जी, आपका सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, आपका धन्यवाद। तो आप बताइए कि सबसे पहले आप हमें दो लाइनों में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि हमें पता चल गया आप शायर भी हो, कविताएं भी लिखते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो अनुभव है वो, बल्कि आपने जैसा कहा कि चौटाला साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्हें उर्दू का बहुत ज्ञान था, तो उनसे जब जब भी उनके साथ लंबा समय गुजारा तो उनसे बहुत सीखने को मिला, वो पॉलिटिकल लाइफ में निश्चित तौर पर काम। तो मैं ये कि जैसे हमने जब चौटाला साहब की इंटरव्यू ली थी, तो आपकी जो बेसिक है जो हम कहते हैं ताऊ देवीलाल जी की, तो ताऊ देवीलाल जी एक बात कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, इसके बारे में इस पर प्रकाश डालेगी, आपकी क्या विचार था इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल जी कर्मयोगी थे, उन्होंने जो कहा वो किया, वो इस सोच के व्यक्ति थे और वो ज़्यादा कहने में नहीं ज़्यादा करने में विश्वास रखा था। इसी प्रकार आज की जो ये नई राजनीति है और इसमें ये नया दल या नायक जनता पार्टी जिस सोच से हमने बनाई, बहुत कम समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने हमारे ऊपर रखी, दुष्यंत जी पर रखी। आज वो विधानसभा के अंदर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, तो उन्होंने जो बातें कही, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की हो, आज हरियाणा में पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला ले लिया गया है। इसी हिसाब से जो डिपो होल्डर्स हैं, डिपो बूथ के अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, महिला पंचायतें जो सरपंच बन के आए, नुमाइंदे जो हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उनको स्कूटीज देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। इसी प्रकार युवाओं को रोजगार, क्योंकि बेरोजगार दर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी ने 75% आरक्षण का भी कानून प्रावधान उसको लागू करवाया। अब एक बड़ा मुद्दा है पेंशन का, बुजुर्गों को पेंशन हमने वादा किया था कि हम 5100 देंगे, ये हमारी मिलीजुली सरकार है, इसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5वें अंतिम साल तक 5100 वृद्धावस्था पेंशन भी हम करवाएं। तो चौधरी देवीलाल जी जैसे कहा करते और उसको किया करते, चाहे वो किसानों के कर्जे माफ़ किए हों और अन्य बातें की हों, वो सारी आज दुष्यंत उसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम उस राजनीतिक दल का एक जो है ना, उसकी आइडेंटिटी, उसके मेंबर हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्तों पर आगे चल रहा है। तो आपने चौधरी देवीलाल जी की बात की, जैसे पूरा हिंदुस्तान को पता कि वो किसान के लीडर थे, यानी लीडर नहीं कह सकते, किसान उनको अपने घर का सदस्य मानते थे। तो आप ये एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी तरफ जो जननायक पार्टी, आप कह रहे देवीलाल जी की पिक्चर फोटो लगाई आपने, तो आप ये बताइए कि स्टैंड क्या है इसमें? आपको एक बात का एहसास और आभास होगा कि दीन बंधु सर छोटूराम ने ये कहा था कि सत्ता में रहकर वो काम सारे किए जा सकते हैं जो सिर्फ विरोध करने से या बाहर बैठकर नहीं किए जा सकते। अल्टीमेटली जो भी बाहर बैठकर लड़ाई होती है, वो इवेंचुअली सत्ता में आकर उस वर्ग का भला करने के लिए। आज हमारा लक्ष्य ये है कि हमें जो 5 साल की जिम्मेवारी मिली, इसमें हम सत्ता में आकर और किसानों का वो जो भला है वो कर पाएँ, जो बाहर बैठ के शायद हम नहीं कर पाएंगे। और अगर आज हम सत्ता पक्ष से दूर हो जाएंगे, तो फिर इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के लोगों को, यानी भूपेंद्र हुड्डा को मिलेगा, वो प्रदेश के मुखिया होंगे। उनका राज तो 10 साल चला ही, अगर उनने 10 साल में कुछ करना होता तो वो बदलाव को समय कर पाते। हम इस बात के लेकर के बहुत दुखी और बहुत चिंतित हैं, हमारा भी दिल पसीजता है, जैसे आप लोगों का आप है। किसान परिवार से संबंधित बिल्कुल इस बात को लेकर के, और निरंतर हम इस बात को लेकर के केंद्र की सरकार जहां पर ये कानून बने और जहां से बदलाव हो उससे इस बात को लेकर संपर्क में है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मार्च के महीने में कोई ना कोई फैसला आएगा, किसान अपने घरों को लौटेंगे, आगे फसल कटने का भी समय है, कोई किसी तरह की तकलीफ उनको ना। लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट होता है ना, जैसे लाही में ताऊ देवी जो लोग हैं, जो पुराने किसान जो आंदोलनों में बैठे हैं, तो वो भी आपके खानदान की तरफ देखते होंगे ना, कोई आएगा जो हमारे जो, हाँ जी, आपकी बात हुई उनसे, सबसे लगातार संपर्क में है, मगर क्योंकि आंदोलन में किसी भी तरह का राजनीतिक प्रारूप नहीं देना चाहिए और ना ही वो लोग देने देंगे, तो वो ये बात नहीं है कि हम वहाँ जाकर के उनसे चर्चा करें। हम निरंतर उनकी तकलीफ को, उनकी सारी बातों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हम भी इतना ही चिंतित हैं जितना वो चिंतित हैं, उससे उनसे ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि कल को हमें उनके बीच में ही जाना है।
नेचुरली जाना पड़ेगा, हाँ जी वो तो जाना पड़ेगा। अच्छा अब आप यहाँ पर एक बात पूछूंगा आपसे कि अभय सिंह चौटाला जी ने रिजाइन दिया इलाहाबाद सीट से और उसके बाद टिकरी बॉर्डर में भी गए, कल अर्जुन भी जाकर आया, तो वो कह रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी की जो जंग है करें नेचुरली हम जो असली ताऊ देवीलाल जी हमारी तरफ है, ये एक तो बहुत बड़ी मीडिया की मिसकंसेप्शन है कि उत्तराधिकारी, राजनीतिक लोगों का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता। राजनीतिक लोगों की विरासत का मालिक तो जनता होती है, तो ये खुद को क्लेम करने वाला वो तो क्लेम इस बात को तो करते रहे ना, पिछले इलेक्शनों में भी करते रहे, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ना चाह करके भी उनके साथ ही थे, तो उनसे बड़ा तो वारिस कोई हो ही नहीं सकता चौटाला साहब। फिर भी उस इंडियन नेशनल लोकदल का अभय सिंह जी के नेतृत्व में क्या हाल हुआ और दुष्यंत जी के नेतृत्व में जेजेपी कहां चली गई, ये उनको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। दरअसल गड़बड़ यहां नहीं है, गड़बड़ रिजाइन देने की नहीं है, गड़बड़ उनके व्यवहार की है, गड़बड़ उनकी राजनीतिक लहजे से वो बात करते हैं जो डराने धमकाने की पॉलिसी। राजनीति बदल गई, अब राजनीति झुक के लोगों के काम कर करके ही काम चले। अच्छा एक बात दिग्विजय जी आपसे बात मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर पूछूंगा कि जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेल में है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में, उसके लिए कोई आपने कोई बातचीत की है केंद्र से ताकि इतनी बुजुर्ग उम्र में वो बाहर आ सके? इस तरह की बात की हमें खुशी है कि कानूनी तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को रिलीफ मिल रहा है और हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी सारी सजा जो है वो पूरी हो जाएगी इस वर्ष के अंदर अंदर, और तब तक भी उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जैसे अब थोड़े दिन पहले पिछले अपने संसद के स्तर में अपना ये हुआ था, ये अपना विधानसभा, उसमें खट्टर साहब एक दिन के लिए बाहर गए थे और दुष्यंत चौटाला जी ने वो चलाई थी अपनी विधानसभा, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? क्योंकि लोगों से जब हमने पूछा तो हमें उनको उनके अंदर ये लगा वो करे हमें बिल्कुल ताऊ देवीलाल जी जैसे दिखे, तो आप ये कहिए ये भाई होने के कारण नहीं, एक अपने जेजेपी का कार्यकर्ता होने के कारण आप कैसे महसूस हुआ? दुष्यंत जी का जो अनुभव पार्लियामेंट के अंदर रहा है उससे वो बहुत कुछ सीखे हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें शायद इतनी जल्दी मिल गया, उसके लिए तो ताउम्र संघर्ष रत और चौधरी देवीलाल जी रहे थे, मगर हाँ उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। उनका खून दुष्यंत की रगों में दौड़ता है और वो जब दौड़ता है तो फिर किसान का मेरे युवाओं के लिए महिलाओं के लिए जब वो जिम्मेवारी वो निभाते हैं तो उसको पूरी निभाए। अच्छा एक बात मैंने आपसे और पूछनी है जो टाइम ही लूंगा आपका, मैं काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके, मैंने जब चौटाला साहब से बात की थी उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे टाइम था तो चौधरी देवीलाल जी के तो उनके फादर थे चौधरी साहेब सिंह जी, मैं थे वो कह रहे थे जो मुजाहरों ने उस समय मुजाहरे वो करते थे आंदोलन, ताऊ देवीलाल खानदान वो खानदान है, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने पिताजी से बिना पूछे अपनी जो हिस्से की जमीन थी जमीन भी और साथ में वो अनाज भी दे दिया था, यानी ये वो खानदान है कि अपने हिस्से की भी आप भूखा रहकर किसानों को दे रहे हैं, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं दर्द तो होगा कि जो अपने जो यहाँ पर बैठे हैं कि उनके बारे में नहीं, हमें बिल्कुल इस बात की पीड़ा है और हर रोज इस बात का हमें इस बात की जो है ना पहली अगर कोई हमारी सोच है तो इस बात को लेकर के है कि कैसे ये जल्द से जल्द ये सारा मामला निपटे और अगले 3.5 वर्ष में हम ऐसी परियोजनाएं लेकर के आए हरियाणा के इतिहास में जो किसानों के लिए भलाई की। तो भाई बहनों ये थे हमारे मित्र दिग्विजय चौटाला, आपने सारे कॉन्सेप्ट इनके सुन लिए होंगे और इन्होंने अपने काफ़ी हद तक स्थिति भी क्लियर कर दी है और ये भी बता दिया कि जो चौधरी देवीलाल जी का नारा था लोक राज लोक लाज से चलता है हमारी पार्टी जेजेपी पार्टी पूर्ण रूप से उसको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और साथ में इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जजपा किसानों के प्रति उदासीन है वो कह रहे हैं कि हम सरकार में रहकर, उन्होंने उदाहरण भी दिया सर छोटू राम जी का कि सरकार में रहकर हम वो काम कर सकते हैं जो हम विपक्ष बाहर रहकर नहीं कर सकते, इन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि आप किसी को इस इंटरव्यू देखने वाले के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।